Okay, so the recording is in progress. So I'll just like do one thing. I'll provide the recording also. Okay, don't worry. So 40 upon 12, 6.6 upon 1, 53.3 upon 16. अब यार अगर बेटा जरा 40 को डिवाइड करना 12 से क्या आंसर आ रहा है बच्चों? वेरी गुड, 3.3 इज टू 6.6. और 53.3 का कोई बच्चा बताएगा प्लीज? यस, एनीवन? फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री डिवाइड बाई 16, इट ऑल्सो मेक्स 3.3. ओके गुड बेटा. अब जरा प्लीज मुझे बताओ जरा कि अगर 3.3, 6.6 और 3.3 को होल नंबर में लेना है, मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं एक को मल्टीप्लाई करूँ, दूसरे को भी उसी, और तीसरे को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर मैं इन तीनों को डिवाइड कर सकता हूँ? अगर मैं एक को डिवाइड कर रहा हूँ, लेट सपोज होल नंबर में लाने के लिए 3.3 से, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा. 6.6 भी 3.3 से डिविजिबल होगा, समझ में आ रहा है? और ये भी 3.3 से डिविजिबल होगा. तो हमने इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर उठा लिया एंड स्मॉलेस्ट नंबर से इन तीनों को डिवाइड किया, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1:2:2:1 का रेशियो. अच्छा भाई बच्चों, जब हमारे पास 1:2:2:1 का रेशियो आ गया, तो हमारे पास क्या बना? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, CH2O. आपका क्या आ गया? ये एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्म्यूला. क्या आ गया बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया. फॉलो कर रहे हैं सब? CH2 इज एम्पिरिकल फॉर्मूला. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करते हुए तुमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. CH2O का मास होगा 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16, दैट मेक समथिंग अराउंड 14 प्लस 16, 30. और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है 180. सो एन की वैल्यू फिर से निकाल लो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो के बराबर हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 30, एंड अगेन इट्स अ 6, एंड देन अगेन एन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे CH2O से, तो ये बराबर हो जाएगा 6 × CH2O. ये बनाएगा क्या? C6H12O6, एंड दैट वुड बी द आंसर. कोई यहां तक की प्रॉब्लम किसी को बेटा प्लीज मेंशन करना. आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे. फिर ऐसे ही एक और रेलेवेंट सवाल आ रहा है हमारे पास. कह रहे हैं 12 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्ट्स विद 12.6 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन MgSO4 डॉट XH2O. कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुए इस एक यूनिट को हाइड्रेट करने के लिए, वो कैलकुलेट हमने करना है. हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर मान बिल्कुल गिवन होगा. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास गिवन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कोई और वैल्यू बनती नहीं है ना कैलकुलेट करने की. या तो वो गिवन होगा, या तो कुछ और ऐसा गिवन होगा जिससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अलग से निकाला जाता हो. सही है? जैसे कि आपके पास जो है ना रेशियोज बताए जा सकते, कुछ भी, लेकिन मास इज द कॉमनेस्ट वे दैट इज गिवन. And it is like the most typical thing to be asked in such type of questions. Okay. So guys, अब बताओ. देखो भाई, तुम करने क्या जा रहे हो, तुम ये समझो. वो कह रहा है कि MgSO4 के साथ रेशियो में मौजूद है, MgSO4 के साथ रेशियो में मौजूद है वाटर H2O.
अब सवाल ये है कि कितने MgSO4 के साथ कितना वाटर मौजूद है, या मैं ये बोलूं कि एक MgSO4 के साथ कितना वाटर मौजूद है, इतना मौजूद है कि उनका ओवरऑल मास उसने बता दिया। अगर एक आपके पास 12 ग्राम है तो दूसरा आपके पास 12.6 ग्राम है, ठीक है। चलें भाई पैटर्न देखें अब जरा, अब हमने करना क्या है, जो 12 ग्राम लिया यहां पर देखो, जो 12 ग्राम लिया उसको MgSO4 के गिवन मास से, ये भी गिवन होगा आपके पास, गिवन मास से डिवाइड कर दिया, 12 डिवाइड बाय 120, और जो 12.6 आया था जिसका मास, उसको उसके मास से डिवाइड कर दिया, दैट इज डिवाइड बाय 18। तो यार यहाँ पर आपके दोनों जगह पे एक वैल्यू बन के आ जाएगी, क्या वैल्यू बन के आ रही है आपके पास, वैल्यू बन के आएगी 0.1। नहीं यहाँ पे मोल्स लेने की जरूरत नहीं है हमें, हाँ बेटा आंसर तो गिवन है, हमें पैटर्न समझना, देखो नीचे आंसर लिखा हुआ है, अगर गौर से देखो नीचे आंसर लिखा हुआ आ रहा है ना, हमें इसका तरीके कार समझना है। अब आपके पास आ गया कि 0.1 का रेशियो फिर 0.7 का रेशियो, आप बोले यार होल नंबर में बताओ ना, तो होल नंबर में बताने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको 0.1 यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर से, जो दोनों में से स्मॉलेस्ट था उससे डिवाइड कर दोगे दोनों को, 0.1 डिवाइड बाय 0.1 और फिर 0.7 डिवाइड बाय 0.1। जब आपने ये कर दिया तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1:7 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि अगर एक तुम्हारे पास MgSO4 है तो तुम्हारे पास उस एक के साथ 7 मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के एसोसिएटेड होंगे। क्या यहां तक की बात क्लियर हो रही है, मेथड आप कोई और सा भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई कैद नहीं है मेथड की, कुड बी एनी मेथड, रेशियो मेथड से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, बट दिस इज लाइक समथिंग विच इज यू कैन यू नो कॉल द इजिएस्ट वे टू डू दिस जॉब। आगे बढ़ जाऊं गाइस, गिव मी अ यस सो दैट आई कैन मूव ऑन। अच्छा जी चलो अब देखो, गाइस सवाल पढ़ो अब और देखो कि ये कैसे सॉल्व होगा। हाँ उमर बेटा, बट दैट इज लाइक समथिंग यू कैन से एक लेंथी थिंग है ना बेटा, यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे क्लास नहीं हुई थी, देयर वाज जस्ट द फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद एक दिन बायो की वर्कशॉप थी तो उसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, उसकी वर्किंग में लगा हुआ था, और उसके अलावा दो दिन देयर वर सम इमरजेंसी कंडीशन। इनफैक्ट मैं बता रहा था क्लास के शुरू में कि मैं अभी भी लाइक दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू गाइस, बट मैं अभी भी हॉस्पिटल से वापस आया था। An organic compound produces 2 gram of carbon and 0.34 gram of hydrogen and 2.67 gram of oxygen. Gram diya hua hai, mass diya hua hai, carbon, hydrogen aur oxygen ka. To carbon, hydrogen aur oxygen basically aapke paas ek ratio mein aa gaye. Sahi hai? Beta, everything is, you can say everything is good. Aap log bas dua kijiyega, there are some certain things jisme main stuck hoon. For some reason, I'm good, I'm well. It's not about my health, it's about my wife's health. So just do pray for her health. Recently, I guess a week back, I was, you know. I guess 10 days back, we welcomed a baby boy.
सो उसके बाद से लाइक ऑनवर्ड्स लाइक देयर वर सम कंडीशंस जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था फॉर माय वाइफ. आई एम शेयरिंग दिस ऑन अ नोट सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड लाइक द सर्कमस्टेंसेस दैट आई हैव बीन लाइक गोइंग थ्रू. ओके सो उसके बावजूद मैं आई एम लाइक ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं लाइन अप कर सकूं चीजों को एंड टू एंड. आप लोग की क्लासेस मिस हुई है बट आई विल श्योरली कंपनसेट दैट. आमीन बेटा आमीन. थैंक यू जजाकअल्लाह. एम्पिरिकल फॉर्मूला बेटा उमर हम लोग ऐसे ही जज नहीं कर सकते. अगर तुम डायरेक्ट लिख दोगे तो लिखा तो तुमने सही है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा. सही है चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं. सही है क्या है चेक करते हैं. हमारे पास मासेस गिवन है एक का 2 है एक का 0.34 और एक का 2.67 है. ऐसे सॉल्व किया है ठीक है चलो लेट मी ऑल्सो सॉल्व इट ना. अब होल नंबर में नहीं है और 0.34 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है तो 0.34 से सबको डिवाइड कर रहा हूँ. ओके लेकिन अच्छा नहीं सॉरी 0.34 से डिवाइड नहीं कर रहा. पहले क्या कर रहे हैं हम लोग पहले इसको डिवाइड कर रहे हैं इनके मासेस से. कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 आ गया ठीक है. और फिर इसके बाद हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा. इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0.166 और 0.166 से सबको डिवाइड कर दोगे तो आपके होल नंबर्स आ जाएंगे 1:2:1 का रेशियो. और हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH2. ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल लें क्योंकि आगे चल के टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको इसका मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो है ना उसको कंपेयर करना होगा. तो फिर वही 30 आ गया और 30 के साथ जो है ना मॉलिक्यूलर मास 60 गिवन था इन द क्वेश्चन ओवर हियर. सही है मॉलिक्यूलर मास गिवन है दैट इज 60. ओके तो 60 को 30 से कंपेयर किया हमने. अब जब 60 30 से कंपेयर होता था एन की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ऐसे समथिंग लाइक दिस. वो 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर C2H4O2 आंसर आ जाएगा. गाइस बताओ क्या आंसर मैच कर रहा है और क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है टू एवरीवन सो दैट आई कैन मूव ऑन अगेन. वेरी गुड फातिमा. I hope that you all are getting the concept. Molecular formula mass निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता आपको एक n की value निकालनी होती है. और वो जो n की value आपने निकाली है वो n की value आपने यहाँ पर निकाली. देखो भाई दोबारा से देख लो कैसे निकाली. empirical formula से देख लो दोबारा. कार्बन का मास 2 given था हाइड्रोजन का 0.34 ऑक्सीजन का 2.67 आपने इनको इनके मासेस से डिवाइड किया एक रेशियो निकाला सिंप्लीफाई करने के लिए लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर ताकि होल नंबर आ जाए 1:2:1 का रेशियो आया उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला बना एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास से कंपेयर कर दिया यानी कि 60 को 30 से कंपेयर कर दिया तो उस रेशियो के अंदर तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी एन की वैल्यू और एन की वैल्यू यहाँ पे बराबर होगी 2 के जिससे हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. इज दैट थिंग क्लियर गाइस सेंड मी अ यस सो दैट वी कैन मूव ऑन. और हमारा फिर अगला टारगेट होगा मोल कॉन्सेप्ट का. ओके अच्छा इन केस रयान इन केस के अगर हमारे डिवाइड करने से होल नंबर नहीं आएगा तो हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. हम लोग रेशियो में चल रहे हैं तो रेशियो के अंदर जो हमने बस करना ही है ध्यान ये रखना है जो कि जो चीज एक तरफ करेंगे वही चीज दूसरी तरफ करेंगे. अगर रेशियो के एक तरफ आप x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर x को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद समथिंग तो y को भी मल्टीप्लाई करोगे विद द सेम नंबर. इट्स लाइक दैट. ओके चलें जी मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. सबसे पहले जो है ना एवोगाड्रो नंबर की दो बातें सीख लो बेटा. एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज का मैं चीज बोल रहा हूँ वो चीज एटम भी हो सकती है मॉलिक्यूल भी हो सकती है आइंस भी हो सकती है कंपाउंड भी हो सकती है मिक्सचर भी हो सकती है कुछ भी है कुछ भी केमिकल कंपाउंड है कुछ भी केमिकल एटम है एलिमेंट है कुछ भी है
तो उसका एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है, यानी कि वो कहता है कि भाई उसके अंदर उसके नंबर्स, पार्टिकल के नंबर, एटम के नंबर, एलिमेंट के नंबर 6.02 होंगे इनटू 10^23, तो आपके से 1 मोल बनेगा, 1 मोल बराबर है इतने पार्टिकल्स के। सही, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई वी हैव गॉट 1 मोल ऑफ कार्बन, जरा सीखना बेटा ये बात, 1 मोल ऑफ कार्बन है अगर तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास 6.02 × 10^23 एलिमेंट्स ऑफ कार्बन है। ठीक है यार, ये बात बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मैं एग्जांपल इसकी देता हूँ अक्सर कि भाई अगर मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास 1 दर्जन अंडे हैं, तो 1 दर्जन अंडे जो है ना वो तुम्हारे पास 12 ही होंगे, दे कैन नेवर बी 13, अ डजन इज ऑलवेज इक्वल टू 12। तो मोल भी बिल्कुल वैसे ही है, मोल की एक वैल्यू है जिसकी एक वैल्यू सेट हुई भी है पहले से 6.02 × 10^23। अब अगर आप ये मोल यूज कर रहे हैं विद एनी थिंग, विद एनी एनी ऑफ द थिंग, तो वो हमेशा ही होगा। अब अगर मिसाल के तौर पे मैं चला जाता हूँ कि भाई मुझे मुझे मोल चाहिए ऑफ अ कंपाउंड, तो उसमें कंपाउंड इतने हो जाएंगे। अगर मुझे मोल चाहिए ऑफ एन एलिमेंट, तो उसमें एलिमेंट इतने हो जाएंगे। मुझे मोल चाहिए ऑफ अ पार्टिकल, तो उसमें पार्टिकल इतने हो जाएंगे। और फिर गिवन मास डिवाइड करते हैं अगर हम उसके एम आर या ए आर से, तो हमें मोल्स का पता चल जाता है। मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एम आर और ए आर, क्योंकि भाई आपके पास 1 मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग दिस नंबर ऑफ पार्टिकल, और दिस इज बेसिकली मेकिंग द होल सम ऑफ एम आर और द होल सम ऑफ ए आर। अभी कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर गैस की फॉर्म में आते हैं तो फिर हम कंसेंट्रेशन तो नहीं कैलकुलेट कर पाते, तो हम लोग नंबर्स भी नहीं कैलकुलेट कर पाते। हम ये बोलते हैं कि भाई वो जगह कितनी घेर रही है। गैस हमेशा प्रेशर्स के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो वो वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 1 मोल ऑफ गैस होगा ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, 1 मोल ऑफ क्या कहते हैं क्लोरीन गैस हो, 1 मोल ऑफ नियॉन हो, कोई सी भी गैस हो, सही है, तो आपके पास 1 मोल अगर है, तो 1 मोल का मतलब है कि वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस, या वो ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब। गाइस 24 डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मतलब इसका, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। अच्छा भाई, अब इसी हिसाब से आपके पास एक एक्टिविटी बन रही है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 1। इट सेज कैलकुलेटिंग द मोल्स फ्रॉम द गिवन मास। यू हैव गॉट द 5 ग्राम ऑफ वाटर, गॉट 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यू हैव गॉट 0.27 मोल्स फॉर दिस। कैसे कैलकुलेट किया, मैंने तुम्हें अभी फॉर्मूला बताया था। अच्छा जी, आ जाओ फॉर्मूले के हिसाब से चलो। 5 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, सही है। अब देखो बेटा आपके पास फॉर्मूला क्या कहता है, कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट मोल्स करने ना। फॉर्मूला कहता है मोल्स बराबर है गिवन मास, वेरी गुड बेटा, अपॉन एम आर। गिवन मास अपॉन एम आर का मतलब हो गया, गिवन मास है इसका 5 ग्राम, एम आर है इसका 18, वाटर का एमआर होता है 18। कितना आ रहा है, 0.277। ये छोटी छोटी सी एक्टिविटीज है, सही है, जिसके जरिए से मैं आप लोगों को जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट बना के दूंगा टू सॉल्व द बिगर वन, बिगर क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ यहाँ पर भी आंसर मार के डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे खुद। आंसर आ रहा है 0.125, याद रखना गिवन मास मोल्स बराबर है, मैं पूरा ही लिख दूं वरना बाद में बच्चे कंफ्यूज ना हो, मोल्स बराबर है गिवन मास अपॉन एम आर, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन हुआ है क्या, ओ टू। ओ टू मतलब क्या हो गया, 16 + 16। एम आर हो गया इसका कितना, 16 + 16 = 32। गिवन मास कितना है बेटा, गिवन मास है 2 ग्राम, तो कितना बनेगा आपके पास,
2 upon 32. गाइज एक दफा चेक कर लो, 2 upon 32 का आंसर क्या आ रहा है? एक फातिमा ने मेंशन कर दिया, व्हाट अबाउट अदर्स? कम ऑन एवरीवन, यू हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट. हम लोग स्पीड में जाएंगे यार, अगर स्पीड ऐसी रही तो फिर हमारे टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. 0.625 है या 0.025 है? ओके, 0.0625 आ रहा है कहीं पे, 0.625 आ रहा है कहीं पे. 2 divided by 29 तो नहीं कट दिया कहीं तुम लोगों ने? इट्स जस्ट 2 divided by 32. चलें जी आगे चलते हैं. कह रहे 10 ग्राम ऑफ कॉपर 2 सल्फेट. कॉपर 2 सल्फेट का MR गिवन है, वरना नहीं गिवन होता तो आप कैलकुलेट करते CuSO4 के फॉर्मूले से. खैर, कॉपर 2 सल्फेट का MR भी गिवन है, आपने कुछ नहीं करना. 10 divided by 160 करो बेटा, क्या आंसर बन रहा है? इट्स 10 divided by 160. व्हाट इज आंसर? दोबारा से 0.0625. चलें जी आगे, मजीद ऐसी कंडीशंस गिवन है, आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे, आई होप सो. ठीक है, मैं आंसर रिमूव कर दूं, आई विल बी सेंडिंग यू द फाइल. मैं आज ही पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसी ना किसी तरह आप लोगों को ये फाइल भेज दूंगा. आप लोगों की ईमेल आईडी चाहिए होंगी, उसके लिए अपने अपने रिलेटिव ग्रुप्स के ऊपर ना अपनी जीमेल की आईडी भेज देना, उस पर आपके पास एक गूगल ड्राइव का लिंक आएगा, वो लिंक खोलोगे उसके अंदर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे PDF फॉर्म में. ठीक है, और आपने करना ये होगा, इस चीज का वादा करना होगा कि आप आगे किसी को फॉरवर्ड नहीं करेंगे. ओके, दीज नोट्स आर लाइक समथिंग दैट आई एम गिविंग टू यू ओनली. ओके, अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं बात हो गई है उल्टी. पहले मास गिवन था तो मोल्स निकाल रहे थे, अब मोल्स गिवन है तो गिवन मास निकालिए, मतलब मास क्या होगा इसका तो वो निकालेंगे, उसमें भी MR यूज होगा. फॉर्मूला चेंज हो गया, मास बराबर है मोल्स इनटू MR के. मास बराबर है किसके? मोल्स इनटू MR के. अब देखो बेटा, यहाँ पर व्हाट यू आर यूजिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज आप फॉर्मूला लगाओ कि मास बराबर है मोल्स. कितने मोल्स गिवन है? 0.1 मोल गिवन है. कितने का MR है? 98. क्या आंसर आ रहा है बेटा पहले का? Do not forget to give the unit as well. Okay, it's 9.8 gram. मोल से फिर आप निकालोगे क्या? आयरन क्लोराइड का, तो क्या निकलेगा बेटा? मोल्स बराबर हो गए, यहाँ पर 3 moles given है, मास बराबर हो गया आपके पास 3 moles given है into of what? 162.5. तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 487.5 exactly. Fatma, answers given है बाकी 3 condition के, आप लोग कर सकते हो. 3 into 106 करोगे, 318 आंसर आ रहा है. 1.5 into 63 करोगे, 94.5 आंसर आएगा. 0.01 into 18 करोगे, 0.18 आंसर आएगा. ठीक है, the third activity is saying that calculate the number of particles in given compound. अब number of particles calculate करने के लिए पहले आप MR calculate करते हो, फिर moles निकालते हो, और आपको पता है एक mole के अंदर 6.02 × 10⁻³ होते हैं. हम जितने moles हैं उसके हिसाब से आप cross multiply करके number of particles निकाल लोगे. ठीक है भाई, तो अब यार ये तो solve हुआ हुआ है, let me just remove this thing. ये सॉल्यूशन मैं रिमूव कर दूं जरा, ताकि हम इसको दोबारा से सॉल्व कर सकें.
क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कार्बन एटम इन 5 ग्राम ऑफ मीथेन, 5 ग्राम मीथेन के अंदर कार्बन के एटम कितने। अच्छा दोनों के नहीं पूछ रहा, कार्बन के पूछ रहा है। तो बेटा जितने ही मॉलिक्यूल आपके पास नंबर बाय नंबर, जितने ही मॉलिक्यूल आपके पास कार्बन के होंगे उतने ही आपके पास मीथेन के होंगे। क्यों, कैसे पता चला हमें? हमें ऐसे पता चला कि कार्बन और मीथेन का रेशियो 1:1 का है। कैसे कैसे ये बात पता चल रही है? देखो सुनो और ध्यान दो, CH4 की बात कर रहा है। अब तो मुझे अपने हिसाब से बताओ, एक CH4 तुम्हारे सामने है, कितने कार्बन है एक CH4 में? एक CH4 में एक ही कार्बन है ना भाई? फॉलो करना भाई बच्चों, सबके सब फॉलो करेंगे, 1:1 का रेशियो है। ओके गुड टू गो। अच्छा जी, अब इसके बाद जब यहां पर 1:1 का रेशियो आ गया CH4 के साथ कार्बन का, CH4 के साथ कार्बन का 1:1 का रेशियो आ गया, आपने क्या किया गाइस, बताओ क्या करना है? हम मोल्स कैलकुलेट करें पहले, मोल्स किसके कैलकुलेट करेंगे? वेरी गुड, मोल्स कैलकुलेट करेंगे मीथेन के, मोल्स ऑफ मीथेन, क्योंकि मास जो गिवन है ना, गिवन मास 5 ग्राम वो मीथेन का है, सही? तो मोल्स कैलकुलेट करना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय MR, MR कैलकुलेट करना पड़ेगा मीथेन का। मीथेन का है MR कैलकुलेट, देखो वो साइड में कोने में ग्रीन से हुआ हुआ है ऑलरेडी, सही है? MR कैलकुलेट कर लिया आपने, कितना आ गया MR? MR आ गया 16, ठीक है? यानी कि 16 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 5 से, 5 ग्राम से। और जब 5/16 करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू आती है 0.3125। कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे बच्चों, ठीक है भाई? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रेशो कहाँ से आया? अभी रेशो नहीं निकाला हमने, अभी तो फॉर्मूला लगाया है मोल्स ऑफ मीथेन के लिए, मोल्स का फॉर्मूला लगाया, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन एमआर, ठीक है भाई? तो 0.3125 आ गया। तो 0.3125 अगर आता है यहां पर, ये क्या है बेसिकली? मोल्स है किसका? मीथेन का, सही है? अगर मीथेन भी 1 है और कार्बन भी 1 है, सही है, तो आपके पास 0.3125 के साथ यहाँ पर भी 0.3125 आ जाएगा, यानी कि मोल्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट हो गए यहाँ पर। मोल्स ऑफ कार्बन बराबर है 0.3125 के। अब आपने क्या किया? आपने बोला 1 मोल कैरी करता है 6.02 × 10^23 पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो, तो कह रहे 0.3125 कैरी करेगा कितने मोल्स? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब बेटा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो क्या होता है, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या होगा? लेट्स सपोज को एक्स अज्यूम कर लिया, एक्स बराबर हो गया 6.02 × 10^23 मल्टीप्लाई बाय 0.3125, और एक्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक का आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन MCQ में आ रहा होता है तो 1 मार्क्स का होता है। नहीं बेटा 1:1 खुद से अज्यूम थोड़ी किया, मैंने बताया ना तुम कार्बन देखो ना कितने, कह रहे कार्बन एटम इन मीथेन, तो मीथेन में कार्बन कितना है तुम बताओ? तुम्हारे सामने मीथेन का स्ट्रक्चर है, एक ही तो कार्बन है पूरे मीथेन में, हाइड्रोजन होता तो 4 होता, समझ रहे हो? फिर हाइड्रोजन का एमआर लेते हैं। ओके बेटा, तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो? कोई बच्चा आंसर बताएगा प्लीज, एक आंसर आया अब तक, प्लीज कंफर्म कर दो क्या ये सही है या नहीं।
18.8 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल प्लेसिंग आगे पीछे हो सकती है, पावर की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, से 24, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि लेट इट बी 1.88 इंटू 10 टू द पावर 23. गाइज आंसर सही है, पहला पहले जरा जल्दी से मेंशन करो, सबके पास यही आ रहा है. नीचे ना इसका फिर दूसरा सवाल आ रहा है, ये वाला सवाल मैं आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा. आई गेस बिल्कुल लास्ट लाइन में आप एक सवाल पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन एटम इन 2 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 2 ग्राम है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके अंदर आपने क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है. यहाँ पर एक चीज मैं आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूँ, आप लोग गलती कर सकते हो इस पे. क्या चीज बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड में एक नहीं है, 4 है. आपके सवाल का बेटा क्या जवाब दूं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा आपका सवाल. सर एटम पूछा है ना, तो सिंपली 6.02 इंटू 10 टू द पावर क्यों नहीं किया, मैं इस चीज का जवाब क्या दूं, सवाल इतना फजूल है, समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, पूछना क्या चाह रहे हो. एक बंदा तुम्हें बोल रहा है कि हमारे पास मीथेन है जिसका मास है 5 ग्राम, और यार प्लीज ये टोन चेक करो यार, आई डोंट लाइक दिस टोन. जवाब तो दे, मतलब क्या खरीदा है बेटा. नहीं यार, देयर सो लाइक बीइंग सो स्टूपिड, जवाब तो दे. हु टॉक टू अ टीचर लाइक दिस इन अ टोन, कि जवाब देने के लिए. ओके आई एम सॉरी, not in a good mood beta, I'm sorry for this, but please it's like a gesture hota hai ek baat karne ka, jawab to dein. Main ghar wale mujhse kabhi nahi bolte ki bhi jawab to dein. Aapne nahi kaha sir. Okay, coming back to this beta, 6.02 into 10 to the power 6.02 इंटू 10 टू दी पावर, यानी कि यार तो तुम लोग यार कसम से यहाँ पे सवालों पे फोकस करो. 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 निकालेंगे, लेकिन अब जो मास दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालेंगे ना. अगर आपके पास 5 ग्राम ऑफ मीथेन दिया हुआ है तो एक मीथेन के अंदर एक कार्बन है, आपने पहले उस मीथेन का मोल निकालने के 5 ग्राम ऑफ मीथेन के हिसाब से कितना मोल बन रहा है, और मोल्स निकाले हमने कहाँ पे, मोल्स निकाले हमने यहाँ पे एग्जैक्टली. जो मीथेन का मोल है वही आपके पास कार्बन का मोल है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा. अब आ जाओ मैं दूसरी कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको, दूसरी कंडीशन एक दफा और देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ताकि हम आगे बढ़ सकें. ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, नाउ हैव अ लुक. ऑक्सीजन एटम में what you're going to do to calculate the mole of H2SO4, सबसे पहले 2 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मोल कितना बनता है जब उसका MR98 है. जब उसका MR98 है तो क्या बनेगा मोल्स, गिवन मास यानी कि 2 ग्राम डिवाइड कर देंगे MR से यानी कि 98 से, तो वो क्या बनेगा, कितना बनेगा, 2/98 बनता है 0.02 ग्राम. अब ये जो तुम्हें मोल्स मिल रहे हैं ये मिल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, इसके हिसाब से तुमने ये देखना है कि हर एक सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन है, एटम के हिसाब से 4 ऑक्सीजन है. तो यहाँ पर आपके पास जब रेशो बनता है तो 1:4 का रेशो बनेगा, किसका रेशो बनेगा, 1:4 का रेशो बनेगा. जब आप 1:4 का रेशो बनाते हो, जब आप 1:4 का रेशो बनाओगे तो आप इसको देखो, H2SO4 हमारे पास मोल्स में आया कितना, 0.2 0.2
0.02 moles of H2SO4, 0.02 moles of H2SO4 में हमारे पास H2SO4 का जो गिवन मोल्स है उसके हिसाब से 4 यूनिट्स बन रहे हैं ऑक्सीजन एटम के, एंड दैट मेक्स इट अ 6. एंड इट्स ऑलवेज लाइक 4 × 0.02 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास मोल्स बनाएगा किसका, ऑक्सीजन का. अब इस मोल्स के हिसाब से तुम बताओगे कैलकुलेट करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगेन. अगर एक मोल बराबर होता है 6.02, क्योंकि एवोगाड्रो कहते हैं कि भाई तुम्हें मैं एक मोल की वैल्यू दे रहा हूँ, एक मोल की वैल्यू तुम्हारे पास 6.02 × 10⁻³, और यहाँ पर आपके पास जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.08 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन, या 0.08 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन. हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, तो इसके अंदर आ जाएगा 6.02 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.08 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रेशियो मेथड से, और ये आंसर होगा 0.4816 × 10⁻³. गाइस अब जरा प्लीज एक दफा कंसिडर करो इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ कि यहाँ तक की बात कितने बच्चों को क्लियर हो गई है. जल्दी से कलेश विल टॉक अबाउट दिस, डोंट वरी. Okay, guys, give me a yes so that we can move on, please. Done, Kalish, done. Don't worry. अच्छा जी, अब एक सवाल और फिर मैं यही बोलूंगा कि यार अगर आपने ये शुरू के दो सवाल कर लिए, एक जिसके अंदर 1:1 का रेशो आ रहा था और दूसरा वो जिसके अंदर 1:2 का रेशो आ रहा था, 1:4 का रेशो आ रहा था, अगर ये दो रेशो तुमने कर लिए तो तुम अगला सवाल भी कर सकते हो. सल्फर इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, MRV गिवन है उसका 160. बेटा ये चार ऑक्सीजन के नीचे इसलिए आया, ऑक्सीजन के नीचे चार क्यों आया, ये मेजर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये क्लियर कर लो क्यों आया, क्योंकि एक सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर चार ऑक्सीजन आ रहे हैं SO4 है फॉर्मूले में, सही है. तो तुम ये बोल लो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन कितना, तुम बोलोगे एक सल्फ्यूरिक एसिड में चार ऑक्सीजन. डन है, गाइस ये दो सवाल है तुम्हारे पास, एक सल्फर एटम इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर 2 सल्फेट और एक नाइट्रोजन एटम इन 4 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड. सल्फर कॉपर 2 सल्फेट में कितना होगा, कॉपर 2 सल्फेट किसे कहते हैं बेटा, CuSO4 को कहते हैं, ठीक है. अब उस हिसाब से प्लीज कैलकुलेट करना शुरू करो बच्चों और मुझे आंसर बताओ. हाँ करण बोलो बेटा. बस यार ये मोल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, मासेस टू मास का रेशो कर लेंगे, मास टू मास रेशो तक की क्लास रखेंगे, थोड़ी सी एक्सटेंड होगी अभी, आई गेस 10-15 मिनट और दे दो मुझे. अच्छा करण, अगर डायरेक्ट मेथड लगाते हो बेटा तो एक इश्यू आएगा, डायरेक्ट मेथड के ऊपर तुम्हारे स्टेप्स कम हो जाते हैं, कभी कभार आपकी कंप्लीट ना वर्किंग चाहिए होती है, और कंप्लीट वर्किंग के लिए आपको ये चीज शो करनी होगी कि आपने रेशो कहाँ से कहाँ का लिया है. तुम डायरेक्ट रेशियो लगाओगे तो उससे भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग मोल्स लगा रहे हैं, लेकिन जब आप इसको एक कम्प्लीट, ये कम्प्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा, कम्प्लीट क्वेश्चन ये नहीं है तुम्हारे पास, कम्प्लीट क्वेश्चन में और डिटेल होगी, सही है. तो जब तुम्हारे पास डिटेल में एक क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर तुम्हारे स्टेप्स काउंट हो रहे होते हैं, ठीक है. एक डायरेक्ट मेथड तो ये है कि तुम्हारे पास Cu के साथ SO4 आ गया, रेशियो में तुमने रखा सल्फर 1:1 का रेशियो, अब तुम अगर इसके हिसाब से लगा रहे हो 10 ग्राम, सही है, डायरेक्ट मेथड है ना, सही है, 10 ग्राम तो 10 अपॉन क्या आ जाएगा CuSO4 का MR, दैट मेक्स 160. पॉइंट वही होता है, जा वहीं तक रहे होते हैं, सही है. लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिकली करते हैं तो हमारे पास एक तो ये होता है एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, और हमारा जो यू समझ लो कि आंसर होता है वो करेक्ट वैल्यूज तक आ रहा होता है,
what does it make? It makes moles of CuSO4 10 upon 160 and it makes it like somewhere around 10 upon 160 kitna bana raha hai hamare paas 0.0625 moles. Okay, CuSO4 makes it 1:1 ka ratio with sulfur. Jitna sulfur hai CuSO4 mein, isko na is jumle ko aise padho. Dekho main tumhe batata hu, mention karta hu. Aap kahoge ek CuSO4 mein, ek CuSO4 mein kitna sulfur hai? Ek hi sulfur hai. Jabki ek H2SO4 upar wala dekhna beta zara, ek H2SO4 ke andar kitne oxygen the? 4 oxygen the. ठीक है, ओके जी, तो आंसर आ रहा है 3.762 × 10³। कितने लोग सेम वैल्यू पर हैं, सेम नंबर पर हैं, सेम आंसर पर हैं? गाइस गिव मी अ यस जिन लोगों ने सॉल्व किया है। ओके जी, गुड है। अच्छा जी चलें, एक ये वाला सवाल और सॉल्व कर लें, जल्दी जल्दी से करेंगे, दो ही लाइंस बची हैं हमारे पास सवाल को कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रिक एसिड HNO3, कोई बच्चा मुझे नाइट्रिक एसिड का MR बताएगा? MR फॉर नाइट्रिक एसिड, कम ऑन एनीवन प्लीज। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 × 3 हो जाएगा और नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 15 ये हो गया टोटल, और 32, 38, 48, 48, 45, 63। यस उमर बेटा, इट्स 63। ओके जी, MR आ गया बेटा कितना? 63। अब फोकस करना गाइस, प्लीज फोकस। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? वो कह रहे हैं तुम्हारे पास 4 ग्राम मोल्स निकाल लो तुम किसके, HNO3 के। वो कह रहे हैं तुम्हारे पास मोल्स बराबर है given mass upon MRK, तो 4 ग्राम अपॉन क्या करोगे, 63 करोगे। गाइज मोल्स कितने आ रहे हैं? फोर डिवाइड बाय 63 करो जल्दी से, 0.06 फॉलो करेंगे अब आगे, 0.06 आ गया। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद तुम कहते हो नाइट्रोजन एटम का बताना है, एक HNO3 में कितना नाइट्रोजन है, एक HNO3 में एक नाइट्रोजन है, तो इसका अगर 0.06 है तो नाइट्रोजन का भी 0.06 हो जाएगा। अगर इन दोनों का 0.06 हो गया, 0.06 हो गया अगर इन दोनों का, तो बेटा फिर वही बात है कि 1 मोल बराबर होता है 6.02 × 10³ के, सही है? तो 0.06 बराबर होगा कितने वैल्यू के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कोई बच्चा प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको और मुझे वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। Guys, just cross multiply it and let me know कि क्या value आ रही है आपके पास। three point eight × 10²² is the answer. Okay जी चलें, अब अगला format देखो, कह रहे calculate the moles from given volume. वॉल्यूम गिवन है और मोल्स कैलकुलेट करने हैं। चलें जी फॉलो करेंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, कह रहे भाई एक मोल बराबर है 24 डेसीमीटर क्यूब में होता है अगर, तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, तो 24,000 सेंटीमीटर क्यूब बनता है। एक मोल बराबर है 24 डेसीमीटर क्यूब के या 24,000 सेंटीमीटर क्यूब के, सही है भाई? अच्छा अब जरा देखेंगे आपके पास, अगर एक मोल बराबर है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब के, सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक
नहीं, 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है 3 सेंटीमीटर क्यूब, मोल्स निकालना है। मोल्स बराबर है वॉल्यूम ऑफ अ गैस गिवन, गिवन वॉल्यूम कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर क्यूब, गिवन वॉल्यूम आ रहा है 3/24,000 कर लो, 3/24,000 कर लो, आंसर आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁴ मोल्स। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं फातिमा, 0.000125। ओके जी, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे गाइस, गिव मी अ यस अगर ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया। पहले हम मास और मोल का रिलेशन देख रहे थे, अब हम मास कर चुके हैं, वॉल्यूम रखा हुआ है, सामने मोल का रेशियो है, रेशियो मेथड कहलाता है ये। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे गाइस। इट क्लियर कि हम लोगों ने वॉल्यूम को, हमने वॉल्यूम को रिलेट किया है और मोल्स निकाले हैं। गिव मी अ यस सो दैट वी कैन मूव ऑन फ्रॉम एवरीवन गाइस, आई एम वेटिंग डिलीजेंटली, सो आई नीड यस टू मूव ऑन। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज भेजो। ओके जी चले, इनफ यस। मोल्स बराबर है 10 सेंटीमीटर क्यूब गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ गया 4.16। अगर 3 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, हम ये भी नहीं देख रहे यार किसका दिया हुआ है, बस दिया हुआ है 3/ डिवाइड कर दो डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू से, जो ऊपर यूनिट होगा वही नीचे रखोगे। अगर ऊपर डेसीमीटर क्यूब में गिवन मास है तो गिवन वॉल्यूम है तो नीचे भी जो आपका मोलर वॉल्यूम होगा वो डेसीमीटर क्यूब में लोगे तो आ जाएगा 0.125 मोल्स। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? डन है, ओके जी चले। अब कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रॉम द गिवन मोल्स, जैसे मास का उल्टा किया था अब ऐसे इसका भी उल्टा कर लो। तो भाई इसका उल्टा जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, वही आपका वॉल्यूम जो भी होगा निकालने के लिए मोल्स जो गिवन है, गिवन मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर लोगे मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, ठीक है जी। तो 1.5 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड का 1.5 × मल्टीप्लाई कर दो रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर, किससे 24 डेसीमीटर क्यूब से। तुम्हारी मर्जी, तुम डेसीमीटर क्यूब में निकालो या सेंटीमीटर क्यूब में निकालो, तुम ये देख लेना कि भाई आंसर में क्या यूनिट दिया हुआ है जिसमें तुम्हें आंसर लाना है। डेसीमीटर क्यूब में लाना चाहो तो डेसीमीटर क्यूब में ले आओ, सेंटीमीटर क्यूब में लाना चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब में ले आओ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 36 डेसीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 36 डेसीमीटर क्यूब बराबर होगा 36,000 सेंटीमीटर क्यूब के बाद देखिए, ठीक है। 0.1 मोल है नाइट्रोजन के, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 24 डेसीमीटर क्यूब से। यार उमर, इट्स ओके बेटा, इट्स ओके फाइन, डोंट वरी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स एक्चुअली अबाउट माय बैड मूड। तुम्हारा मसला नहीं था, इट्स जस्ट ओके, कोई मसला नहीं। सो 0.1 × 24 डेसीमीटर क्यूब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली एक डेसिमल प्लेस पीछे चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2.4 डेसीमीटर क्यूब। वेरी गुड बेटा। अच्छा अब आ जाओ जरा 0.01 मोल्स ऑफ इथेन एट रूम टेम्परेचर, तो 0.01 मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 24 डेसीमीटर क्यूब से, तो यहाँ पर भी आपके पास एक वैल्यू बन के आ जाएगी। सही है, आंसर्स ऑलरेडी मेंशनड है। आगे चलते हैं गाइस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द गिवन वॉल्यूम। अब जैसे गिवन मास में से कैलकुलेट किया था, अब गिवन वॉल्यूम में से कैलकुलेट करना है। चलें जी, ये वाले सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे खुद ही, इसकी मैं वर्किंग रिमूव कर दूं पहले। अच्छा जी, वो कह रहे हैं वही वाली बात ध्यान में रखनी है आपने कि एक मोल बराबर होता है कितने के, एक मोल बराबर होता है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब के, 24 डेसीमीटर क्यूब के, और उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं कितने, 6.02 × 10⁻³। एक वॉल्यूम में, एक मोल के वॉल्यूम में आपके पास इतने ही पार्टिकल्स आएंगे, और वॉल्यूम इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए, पार्टिकल्स इतने ही होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है ऑक्सीजन एटम निकालना है इन 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब अगर वो बोलता है ऑक्सीजन एटम निकालना है 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमारे लिए आसान होता है, हम देखते हैं भाई कितने मोल्स बन रहे हैं, हम डायरेक्टली रेशियो मेथड से करते हैं। यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस होगा।
सबसे पहले आपने क्या निकालना पड़ेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है आपके पास, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपके पास SO3 है, सही है। तो गिवन वॉल्यूम कितना है आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, सबसे पहले मोल्स, मोल्स में गिवन वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, इसको डिवाइड करेंगे हम 20 सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू लेंगे बेटा, तो 24,000 ले रहा हूँ, इज दैट ओके। तो ये बन जाएगा आपके पास 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा फिर आपके पास कितने के भाई, कोई कैलकुलेट करो जरा जल्दी से और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है 5 डिवाइड बाई 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये मोल्स हो जाएंगे किसके, SO3 के, 0.0002। क्या है ये, 0.002 मोल्स ऑफ, बस समझा थोड़ी देर में, 0.0002 मोल्स ऑफ SO3, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, एक SO3 के अंदर आपके पास कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम बोल रहा है, खाली ऑक्सीजन बोलता है ना तो O2 काउंट करते, सही है। तो इसके अंदर एक में 3 का रेशो है, ठीक है। अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आई 0.0002 तो 3 में कितने की आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर होगा 3 × 0.0002 के, तो x बराबर होगा किसके गाइस, जरा कैलकुलेट करो 3 को मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से, जीरो पॉइंट जीरो 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 सिक्स, ठीक है, ओके डन। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये मोल्स आ गए किसके, ये मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर है 0.0006 के। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है ऑक्सीजन एटम कितनी जगह घेर रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके हिसाब से मोल्स निकाल लिए तुमने, जगह वो घेर रहा था 5 सेंटीमीटर क्यूब की विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसके अलग से आपने एक्सक्लूड करके निकाल लिया। अब हम क्या करें, हम इसको कन्वर्ट कैसे करें, हम इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि भाई 1 मोल, 1 मोल जगह घेरता है, जितनी भी जगह घेर रहा होगा, खैर पार्टिकल्स कितने रखता है, 6.02 × 10⁻³। तो मुझे बताओ 0.0006 मोल्स बराबर होगा कितने के, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x बराबर होगा 6.02 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.0006 के। कोई बच्चा आंसर बताएगा इसका प्लीज, कैन आई हैव दैट आंसर प्लीज। नहीं बेटा हसन, इसको मल्टीप्लाई बाय 24 नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रोस नंबर करेंगे, हमने पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है, 3.6 × 10⁻²23 आ रहा है, चेक कर लो भाई आंसर सही है या नहीं, 20 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, ट्वेंटी है, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻²20, ओके जी, चल अच्छा। अब करना ये है कि मैं अभी एक और क्लास अनाउंस करूंगा कल, सही है, कल की जो क्लास अनाउंस करूंगा ना उसके अंदर हमारे पास होगी वो क्लास, थोड़ी सी उसकी ड्यूरेशन लंबी होगी, मुझे ये भी पता है कि भाई ये PDF भी मिल जाएगा बेटा, प्लीज अपने ग्रुप के ऊपर ना अपनी ईमेल आईडीज भेज देना, मैं भी सेटिंग्स चेंज करूंगा तो आप लोग सब मैसेज कर सकते हो उसके ऊपर, तो आप लोग अपनी ईमेल आईडीज भेज देना, तो उसके ऊपर आपको ना गूगल ड्राइव का वो शेयर हो जाएगा। अच्छा अब दूसरी चीज सुनो बहुत ध्यान से, कल ना मुझे टोटल वर्कशॉप के नंबर ऑफ आवर्स चाहिए होंगे 2.5, ढाई घंटे की क्लास चाहिए मुझे कल, ठीक है, और वो ढाई घंटा जो है ना मैं अनाउंस करूंगा ये रात वाला, ठीक है, हम लोग हो सकते हैं कि थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लें, अब तरावी नहीं होगी
कल चांद रात है, थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो हमारी क्लास जो है ना अफ्तार के बाद में समझ लो जरा जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है? ओके गाइस, और उसके अंदर हम लोग पहले मोल्स कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आप लोगों को बैलेंसिंग और आयनिक इक्वेशन सिखाऊंगा, सही है? और बैलेंसिंग और आयनिक इक्वेशन के साथ साथ हम लोग हो सकता है कि कल मेटल या पीरियोडिक टेबल में से एक चैप्टर और कवर करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन ही होगा बेटा। और बायो में बस स्टार्ट करूंगा तकरीबन, इट्स 12:15 राइट नाउ, बायो में स्टार्ट करूंगा राइट आफ्टर 15 मिनट्स, 12:30 पे हम लोग बायो का एक पेपर एआईडी पेपर अभी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एट 12:30 हम लोग रिकनेक्ट करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, रीज्वाइन कर लेना वो लोग जो बायो लेंगे। ओके, थैंक यू रेहान, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़ बेटा।